हे दोस्तों, आज की वीडियो होगी हमारी हेयर कट पे। आज हम फर्स्ट हेयर कट स्ट्रेट हेयर कट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी बेसिक सी थ्योरी बताऊंगा, इसके बाद हम कट स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले इसे हम सिंगल डिजाइन लाइन कट बोलते हैं। इसके साथ साथ में कई लोग इसे वन लेंथ कट या फिर स्ट्रेट कट भी कहते हैं। सो ये कट करने से पहले हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि बालों का जो टेक्सचर है, जैसे कि हेयर है वो स्ट्रेट है, वेवी है या कर्ली है, तो ये ज़्यादातर जो कट है ये स्ट्रेट बालों पे जाएगा। दूसरा, इसमें लेंथ हमारी लॉन्ग चाहिए, शॉर्ट लेंथ पे ये अच्छा नहीं लगेगा, लॉन्ग लेंथ पे ये अच्छा लगेगा ये कट। दूसरा, इसमें जो डिग्री है वो 0 डिग्री पे हम कट करेंगे। जैसे उस दिन मैंने कट की थ्योरी में आपको बताया था कि कौन कौन सी डिग्रीज कैसे कैसे यूज़ में आती है, जैसे ये कट नेचुरल फॉर पे 0 डिग्री पे ये कंप्लीट कट हुआ। इसके बाद जो होल्डिंग है हमारी सेक्शन की, हमारी फिंगर होल्डिंग वो होगी हमारी हॉरिजॉन्टल इसमें। देन कटिंग टेक्निक, जैसे मैंने आपको 2 टेक्निक बताई थी उस दिन, तो इसमें क्लब कटिंग यूज होगी। सो सबसे पहले हम फोर सेक्शनिंग करेंगे, तो हमें सबसे पहले फोर सेक्शनिंग करनी है। तो इसके बाद जो हम सेक्शन लेंगे वो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकलेंगे। तो सबसे पहले नेप एरिया से एक सेक्शन लेना है हमें, ठीक है। इसके बाद सेक्शन लेने के बाद हम एक गाइडलाइन लेंगे, बीच में से एक सेक्शन निकालेंगे, तो इसे कट करेंगे, ये होगी हमारी गाइडलाइन। बाकी का सारा कट इसी के ऊपर आके कंप्लीट करेंगे हम। तो हम गाइडलाइन लेंगे, गाइडलाइन को जैसे कि हमने यहाँ से कट कर दिया, तो बाकी के सेक्शन भी हमारे सेम यहाँ पे आके कट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम सेक्शन लेते जाएंगे, इसके जो फ्रंट के सेक्शन होंगे वो हम ऐसे लेंगे, इसके वो वाले सेक्शन ऐसे लेंगे हम। तो अभी कट स्टार्ट करते हैं, आप प्रॉपरली जैसे मैं बताऊंगा आप उसी तरीके से फॉलो करना, मैं बिल्कुल बेसिक एंड सिंपल तरीका बताऊंगा आपको। सो सबसे पहले स्प्रे करेंगे, तो इसके बाद हम करेंगे फोर सेक्शनिंग। जैसे क्लिप देना, तो अभी यहाँ से हम सेक्शन निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ से एक सेक्शन किया है बिल्कुल ऐसे ही एक सेक्शन होगा।
हमने कॉम करनी है पहले, तो अच्छे से कॉम करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम गाइडलाइन लेंगे, सबसे पहले गाइडलाइन। ये मैंने सेंटर के थोड़े से बाहर लिए, तो हम अपने क्लाइंट से कंफर्म करेंगे जितने बार उसने कट करवाने हैं, पहले उनसे पूछेंगे कि हम जैसे कि आपने यहाँ पे लेके लेंथ चेक करवा लेनी है कि मैं इतनी लेंथ काटने जा रहा हूँ या जैसे भी है, तो आप उनसे पहले कंफर्म कर दो। जैसे कि मैं इतनी लेंथ में ये हेयर कट कर रहा हूँ, इसमें क्लब कटिंग एक साथ पूरे बाल कट होंगे, ठीक है। तो इस गाइडलाइन को आपने दोनों साइड राइट कर देना है, उस साइड भी इस साइड भी, बिल्कुल 0 डिग्री पे। ये आप क्लियरली दिखाई दे रही है जैसे कि ये गाइडलाइन है, इसके अकॉर्डिंग ऐसे आपने रीचेक करते रहना है ऑलवेज, ठीक है। आपने इसे रीचेक कर लेना है। इसके बाद ये वाली साइड भी, फिर पूरा सेक्शन लेना एक बार में, पूरे सेक्शन को चेक करना है। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ऊपर वाले बाल लेंगे। जैसे अभी ये डमी के बाल है, डमी के हेयर है, इसमें इतनी ज्यादा डेंसिटी नहीं है, जैसे क्लियरली इसकी स्कैल्प, इसकी स्किन दिखाई दे रही है। जैसे क्लाइंट के हेयर है वो काफी हैवी हेयर होते हैं, तो जैसे अभी इसे मैं तीन सेक्शन में, जैसे एक वाला ये हो गया, इसके बाद दो सेक्शन इसके ऊपर वाले करके कट कंप्लीट कर दूंगा। बट क्लाइंट के हेयर थोड़े हैवी होंगे, तो आपने 4-5 सेक्शन लेके कट करना है। जैसे स्टार्टिंग में करोगे 4-5 सेक्शन में ही आप कट करना। इसके बाद सेम जहां से हमने गाइडलाइन ली थी वहां से एक सेक्शन लेंगे, ऐसे बिल्कुल विचकार से ही। यहां पे हमारी गाइडलाइन दिखाई देगी हमें, तो गाइडलाइन के ऊपर ये कट कर देंगे हम। तो इसे सेम दोनों साइड वाइड, अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नीचे से हमारे पास गाइडलाइन ऑलरेडी है। इसके बाद बचा हुआ सेक्शन पूरा का पूरा नीचे लेके जाएंगे।
जैसे कि ऊपर वाले बाल थोड़े शॉर्ट थे तो ये गाइडलाइन के ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एयर ऊपर आएगा उसे कट कर देना है, नहीं तो नहीं कट करने। ये देखिए बैक साइड से हमारा कट कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रेट हेयर कट। सो अभी साइड पे करेंगे। तो अभी इसकी जो गाइडलाइन लेनी है आपने, यहां से लेके बिल्कुल नीचे तक नेप एरिया तक ऐसे गाइडलाइन लेनी है, क्योंकि कोई बाल कट हो गए कोई नहीं हुए, आपने गाइडलाइन अच्छे से लेनी है ऐसे। अभी यहां पे फिगर रखनी है आपने, यहां से सेक्शन ले लेना है। ये हो गया हमारा सेक्शन, बाकी के हेयर ऊपर क्लिप कर देने हैं। अभी साइड से है हमारे पास गाइडलाइन, इसमें ये हेयर भी लेके जाएंगे 0 डिग्री के एंगल पे। ये रही हमारी गाइडलाइन, ठीक है। तो इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही ये वाला बाल कट करेंगे। ये देखिए हमारा इस साइड से भी कंप्लीट हो चुका है, बचा हुआ लास्ट सेक्शन। तो इसमें भी हम ऐसे गाइडलाइन ऐड करेंगे, यहां पे फिंगर रखेंगे एक सेक्शन ऐसे,
ये देखिए हमारा पूरा का पूरा कट कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद आपने चेक कैसे करना है, जैसे ऐसे कट करते हैं थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है, तो उस वेरिएशन को हम कैसे क्लियर करेंगे। तो आपने फ्रंट से सेक्शन लेना है, ऐसे एक डायगोनल सेक्शन लेंगे हम, तो इसको 0 डिग्री पे कॉम करके लेके जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो आप इसे यहां पे निकालो, जैसे अभी मुझे लगा कि ये वाली साइड थोड़ी सी बड़ी है तो मैंने इक्वल कर लिया ये सेक्शन। यस, ये वाला हेयर था ना, इसके अकॉर्डिंग कट कर देंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही है। ये आपका थोड़ा बहुत वेरिएशन आपके फ्रंट के सेक्शन में ही आएगा, तो आपने उसे अपने एंड से ही चेक कर लेना है, ऐसे दोनों साइडों को मिलाकर चेक करके एक जैसा पूरा का पूरा कट कर देना है। बैक साइड पे ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती, फ्रंट पे ही आती है। तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे फॉलो करो, फॉलो करने के बाद आप मुझे इसकी पिक्चर्स वीडियो सेंड कर दो, मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आपका कट अच्छा हुआ है या नहीं हुआ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो। तो ऐसे ही अभी हम हेयर कट की ही वीडियो कंटिन्यू करेंगे, कट करने के बाद हम ट्रीटमेंट की ओर जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।